Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Would request the viewers to please subscribe the channel. Today we are going to start a very basic lecture on grammar. As I was requested that I must make some videos in Urdu language. So today जो आज हमारा जो lecture होगा वो उर्दू में है, लेकिन ये basic और बुनियादी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अबाउट व्हाट इज ग्रामर एंड देन लैंग्वेज एंड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देम. तो आपको पता है कि इंग्लिश इज लैंग्वेज, तो हमें मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि लैंग्वेज है क्या. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज. दो अकेडमिक डेफिनेशंस हैं जो यहाँ पर मैंने लिखी हैं. सो लेट्स डू इट. व्हाट एक्चुअली लैंग्वेज इज, इट इज एन ईजी वे communicate with one another. Language की definition ये है कि language जो है वो एक दूसरे से आसान तरीके से बात करने को कहा जाता है. Like when we talk with one another in an easy and a simple way, उसको language कहा जाएगा. और इसकी दूसरी definition है वो ये है कि it is the vehicle of our thoughts. जबान जो है, जो language जो होती है वो हमारे यानी कि जो सोचें होती हैं उसकी गाड़ी होती है. तो इफ आई एलोबोरेट देम विद इजीली, लाइक हाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इंग्लिश इज, एवरीबॉडी वुड कंसीडर इट इज काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज. यस इट इज. लेकिन जनरली लैंग्वेज को क्यों कहा जाता है कि ये इजी वे है टू कम्युनिकेट विद वन अदर, क्योंकि अगर हम मुश्किल तरीके से एक दूसरे से बात करेंगे तो शायद हम अपनी जबान में भी एक दूसरे से ठीक तरह से बात ना कर सकें. तो इसको आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं, सी get out from here, और दूसरा sentence है I am senior than you. तो अगर हम इन दो sentences को देखेंगे तो majority here would consider them right sentence, लेकिन आपको पता है ये दोनों sentences grammatically गलत हैं. ठीक है, हम get out from here नहीं कहते, हम कहते हैं get out of here. या हम यूँ लिखेंगे कि I am senior to you. इन दो सेंटेंसेस लिखने का मतलब सिर्फ ये था कि हम ये समझ सकें कि वाई लैंग्वेज इज एक्चुअली एन ईजी वे. अब फर्ज करें अगर कोई यहाँ पे इस क्लास में बैठा हुआ है तो मैं उसे कहूँ गेट आउट फ्रॉम हेयर या गेट आउट ऑफ हेयर, वो क्या करेगा, वो उठ के चला जाएगा. मीन्स दैट मीन्स ही अंडरस्टूड एक्चुअली व्हाट आई सेड. तो गेट आउट फ्रॉम हेयर इज अ राइट सेंटेंस एंड गेट आउट ऑफ हेयर इज अ राइट सेंटेंस. व्हाई, बिकॉज़ जब हम किसी चीज को बाहर निकालते हैं तो उसको आउट फ्राम नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है आउट ऑफ. जैसे उमूमन आपने ये प्रोवर्ब कोई सुना होगा कि आउट ऑफ माइंड एंड आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. सिंधी में हम इसे कहते हैं जब छोटे छोटे शब्द होते हैं. तो आउट ऑफ मतलब जैसे कि अगर किसी को हम बाहर निकालें गेट आउट ऑफ द कार, हम ये नहीं कहेंगे गेट आउट फ्राम द कार. सो अब कहने का मतलब ये है कि व्हाई लैंग्वेज इज सिंपल और इजी वे टू कम्युनिकेट. In a sense that at least what you are talking, at least somebody must understand it, the receiver must understand it, otherwise there would be no communication. अगर आप understand तो नहीं है. और दूसरी है, it is the vehicle of our thoughts. देखें हम जो भी सोचते हैं वो ज़बान के थ्रू कहीं वो ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी की भी बुक पढ़ें तो जब आप बुक पढ़ते हैं तो वो किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है और उस लैंग्वेज में उस आदर की सोचें हमें पता चल रही होती है. तो इसलिए जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज द व्हीकल ऑफ आवर थॉट्स. सो दिस इज सिंपल एंड एकेडमिक डेफिनेशन 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटरव्यू स्टूडेंट्स के लिए. हाँ, बाकी लैंग्वेज के तो बहुत ज्यादा मतलब डेफिनेशन हैं. लाइक इट इज द लैंग्वेज दैट एक्चुअली फॉर्म अवर साइकोलॉजी, इट इज द लैंग्वेज दैट्स गेट्स अस रूटेड इन सोसाइटी, अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज द लैंग्वेज जिसकी मदद से हम सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं. तो That's true कि लैंग्वेज सिर्फ ये नहीं है टू कम्युनिकेट, लैंग्वेज ये भी है कि लैंग्वेज के थ्रू हम जो है वो सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं, लैंग्वेज हमारी नफ्सियात भी बनाती है. एंड इट इज द लैंग्वेज एक्चुअली जिसकी मदद से हम किसी सोसाइटी में जड़ें बना लेते हैं. सो फिर हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पर कि काइंड ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की कितनी किस्में हैं. सो द नंबर इज मैनी, but when we talk about kinds, there are only two kinds of language, verbal language and non-verbal language. तो verbal language इसे कहा जाता है, verbal language
इज अ लैंग्वेज जिसमें हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। और साइंटिफिकली स्पीकिंग अगर कहा जाए तो जो पहली जो इंसान की जबान थी वो नॉन वर्बल थी, लाइक दे यूज्ड टू कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू गेस्चर्स एंड थ्रू सिंबल्स। जैसे कि साइंस हमें बताती है कि इंसान ने जो लैंग्वेज एक्वायर की है उसको 80,000 से 1 लाख तकरीबन एक साल हुआ है। इससे पहले इस धरती पर इंसान रहते थे ऑलमोस्ट फॉर यू नो 2 मिलियन ईयर्स, 20 लाख साल से इंसान इस धरती पर मौजूद है और 19 लाख साल तक इंसान के पास कोई जबान नहीं होती थी। दो ही है इमोशन थी है नॉलेज येट इसके पास कोई जबान नहीं होती। तो इंसान ने जो लैंग्वेज एक्वायर की जो साइंस हमें बताती है वो ये उसको 80 से 1 लाख साल हुआ है। सो दैट लैंग्वेज वाज कॉल्ड वर्बल लैंग्वेज क्योंकि हमने वहाँ पे सिंपल से क्रॉस करके फिर हम वर्ड्स और इंग्लिश को कर आगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन वर्बल लैंग्वेज आज मौजूद है जस्ट लाइक दिस इज द लैंग्वेज और भी बहुत सारे इशारे हैं मैं यहाँ पे आपके नहीं कर सकता। सो वो नॉन वर्बल लैंग्वेज में आते हैं जिसमें हम अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। सो अगर आपको नॉन वर्बल लैंग्वेज सीखनी है तो आज भी अगर आप उनके पहले लोगों के साथ बैठेंगे यू कैन हैव दिस कम्युनिकेशन, आप उनके साथ बात कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट वर्बल लैंग्वेज एज आई सेड इट इज बेस्ड ऑन वर्ड्स एंड दिस वर्बल लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू एनवायरनमेंट एंड थ्रू ग्रामर। मिसाल के तौर पर अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो एक तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे इफ यू गो इनटू यू नो देयर इन यूरोपियन कंट्रीज एंड यू विल बी एबल टू लर्न स्पेशली इन अमेरिका। तो एनवायरमेंट के थ्रू भी हम सीख सकते हैं और दूसरा हम इसको सीखते हैं इसकी मदद से ग्रामर की मदद से। सो एज यू नो इन अवर पार्ट ऑफ सोसाइटी देयर इज नो एनवायरमेंट वेयर यू हैव यू नो इनफ अपॉर्चुनिटी टू कम एंड डिस्कस एंड टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज। देयरफॉर हमारे यहां ज्यादातर लोग जो है वो अंग्रेजी सीखने के लिए हेल्प लेते हैं ग्रामर की। सो फर्स्ट वी डिस्कस लैंग्वेज, इट इज गॉट टू काइंड्स वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल लैंग्वेज व्हिच इज गॉट वर्ड्स, नॉन वर्बल जिसमें अल्फाज ना हो। अच्छा अब हम सीख रहे हैं वर्बल लैंग्वेज तो वर्बल लैंग्वेज एक तो हम माहौल की मदद से सीख रहे हैं, जिस माहौल में आप रहेंगे वही जबान आप बात करें पे बात करें वही जबान आप इस्तेमाल करेंगे और दूसरा आप इसको ग्रामर के थ्रू भी समझ सकते हैं ना लैंग्वेज को। सो आफ्टर लैंग्वेज वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट एक्चुअली ग्रामर इज, ग्रामर कहते किसे हैं। सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, रूल्स फॉर कंबाइनिंग द वर्ड्स एंड जॉइनिंग देम इनटू सेंटेंसेस इज कॉल्ड ग्रामर। अच्छा आप जरूरी नहीं है कि इसको हम रूल्स कहें, हम इनको कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं ठीक है। रूल्स बेसिकली किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। सो रूल्स फॉर कंबाइनिंग द वर्ड्स ऐसे कानून जिसके जरिए हम अल्फाजों को मिलाते हैं एंड जॉइनिंग देम इनटू सेंटेंसेस और जब हम उनको जुमलों में शामिल करते हैं इस काल ग्रामर उसको ग्रामर कहा जाता है। मतलब ऐसे कवानीन जिनके जरिए हम लफ्ज़ों को मिलाएं और जुमलों को शामिल करें। अब लफ्ज़ों को कैसे मिलाना है, जुमलों को कैसे शामिल करना है ये हम तभी समझ सकेंगे जब हम समझेंगे वर्ड क्या है और सेंटेंसेस क्या है। इसलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब हमें ग्रामर की डेफिनेशन समझनी है, लेकिन ग्रामर की डेफिनेशन समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वर्ड क्या है। So what is word? A group of letters that gives particular meaning is called word. What is word? यानी कि हरूफों का वजूद जो क्या करे हमें एक खास माने दे उसको लफ्ज कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ CHIR chair, C एक लेटर है and H दूसरा लेटर है, A तीसरा, I चौथा और पांचवा। This is group of 5 letters. हम इसको पढ़ते हैं chair. Okay, so chair is a word और इसकी एक खास माने भी है। इसकी खास माने क्या है, कुर्सी ठीक है, या हम इसकी खास माने और भी हैं जिस पर बहुत सारे लोग करते रहते हैं। So this is called a word. In a same way, I can say like dog, I can write elephant. Okay, so they are actually group of letters. जब हम group of letters को मिलाते हैं तो उनकी जो खास मायने होती है इसे एक लफ्ज बनता है। तो दैट वाज अबाउट वर्ड। अब आपने हमने क्या सीखा, लैंग्वेज के बारे में सीखा, काइंड ऑफ लैंग्वेज के बारे में सीखा, ग्रामर की सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है उसको समझा रहे हैं क्योंकि ग्रामर को समझने के लिए हमें वर्ड थोड़ा बहुत समझना था। तो
तो वो हमने समझा वर्ड, अब हम इसको समझेंगे सेंटेंस को समझेंगे। अच्छा हम सेंटेंस को क्यों समझेंगे, क्योंकि अगर हमें वर्ड और सेंटेंस समझ में आ जाएगा तो हमें ग्रामर की डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। सो नाउ वी विल बी स्विचिंग अवर टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। नाउ व्हाट इज सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब लफ्जों का मजमू। वर्ड क्या है, जैसे हरूफों का मजमू, लेकिन जब हम सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस जो होता है वो लफ्जों का अल्फाजों का मजमू होता है, और वो क्या करता है, इट गिव्स अस कंप्लीट सेंस। अब कंप्लीट सेंस कैसे देखें, ही इज प्लेइंग अ पियानो। अब देखें ही एक वर्ड है, इज दूसरा वर्ड है, प्लेइंग तीसरा वर्ड है, ए चौथा वर्ड है, एंड पियानो पांचवा वर्ड है। सो दिस इज ग्रुप ऑफ फाइव वर्ड्स, और क्योंकि हमें ये मुकम्मल सेंस दे रहे हैं इस प्लेइंग पियानो, दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं कि दिस इज अ सेंटेंस। अच्छा मैं इसको सेंटेंस भी कहता हूं और मैं इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहूंगा। सो वेदर यू कॉल इट इंडिपेंडेंट क्लॉज और वेदर यू कॉल इट अ सेंटेंस, एक ही बात है। जैसे कि आई एम अ टीचर, सो दिस टीचर इज सेंटेंस। व्हाई इज अ सेंटेंस, क्योंकि हमें एक कंप्लीट सेंस, एक मुकम्मल मफहूम दे रहा है इसलिए, और मैं इसको ले भी चाहूंगा कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। सो दिस वाज सेंटेंस, इट वाज बिट इजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लॉज एंड फ्रेज। अच्छा सेंटेंस को भी हम उर्दू में जुमला कर सकते हैं, क्लॉज और फ्रेज को भी जुमला ही कहा जाएगा। व्हाई, बिकॉज़ जिस तरह सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसी तरह क्लॉज और फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब सेंटेंस क्या है, अगर हम सेंटेंस की शुरू वाली डेफिनेशन देखें तो वो क्लॉज और फ्रेज की डेफिनेशन की तरह है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज एंड फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। डिफरेंस कहां पे आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है यहां पे, यानी कि जो सेंटेंस होता है वो हमें कंप्लीट सेंस देगा, लेकिन क्लॉज और फ्रेज क्या करेंगे, ये हमें इनकम्प्लीट सेंस देंगे, हमें मुकम्मल माना या मफहूम नहीं बनाएंगे, तो उनको हम क्लॉज और फ्रेज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वी कैन टॉक, she was saying and they have decided, to ab agar hum iski meaning lena, we can talk, hum baat kar sakte hain, fine, but about what, complete sense nahi aa raha. Isi tarah se she was saying, wo keh rahi hai kya, complete sense nahi hai, in a sense that they have decided, wo faisla kar chuke hain, pata nahi kaun sa. To jab hum in teen jo humne yahan pe likhe hain alfaz yahan pe combine kiye hain ग्रुप, तो हमें ये कोई मुकम्मल सेंस नहीं दे रहे, तो इस इनको क्या कहा जाएगा, कंफ्यूज वेदर इज इट अ क्लॉज और अ फ्रेज, तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, देखिए ना डिफरेंशिएट कि हमें इन्हें क्लॉज कहना है या फ्रेज कहना है, तो बेसिकली हम इन्हें क्लॉज कहेंगे, फ्रेज नहीं कहेंगे। व्हाई डू वी कॉल देम क्लॉज एंड नॉट फ्रेज, इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि जो क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन जो फ्रेज होगा उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, वो ज्यादातर प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं, कभी कभार खाली वर्ब से भी हो जाएंगे, लेकिन ज्यादातर ये किससे स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं प्रीपोजिशन से, जैसे कि ड्यूरिंग द कोविड टाइम। अब ड्यूरिंग द कोविड टाइम व्हाट, इनसाइड द डार्क रूम, इनसाइड द अंधेरे कमरे में, कमरे में व्हाट, ठीक है, तो हमें कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा, तो हम इन तीनों को क्या कहेंगे, ये हमारे फ्रेज हैं। सो नाउ रिमेंबर वन थिंग, वेदर यू टॉक अबाउट सेंटेंस क्लॉज और फ्रेज, ये तीनों उर्दू में हम जुमला कहेंगे, लेकिन सेंटेंस एक ऐसा जुमला होगा जो हमें मुकम्मल माने बताएगा, क्लॉज और फ्रेज ऐसे जुमले होंगे जो हमें मुकम्मल माने नहीं बताएंगे। बट अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज, जहां तक उनके स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, वो ये है कि जो हमारा क्लॉज होता है उसमें आप सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और जो फ्रेज होगा उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आएगा। सो दैट्स डिफरेंस बिटवीन यू नो सब्जेक्ट वर्ब एंड फ्रेज। हम वापस अगर हम जाएं वहां पे ग्रामर, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ग्रामर क्या है, रूल्स फॉर कंबाइनिंग वर्ड्स एंड जॉइनिंग देम इनटू सेंटेंसेस, इसका ग्रामर। तो अब हम जो बात करेंगे वो ग्रामर को समझने की करेंगे कि ग्रामर क्या है, रूल्स फॉर कंबाइनिंग द वर्ड्स। अब आपको पता है वर्ड किसे कहा जाता है, वर्ड किसे कहा जाता है,
हमने डेफिनेशन लिखी या ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स पर्टिकुलर मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। आपको यह भी पता चल गया सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। आपको क्लास ऑफ फ्रेजेस का भी पता चल गया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स इनकंप्लीट सेंस। तो अब ग्रामर क्या है इसको हम समझेंगे, लेकिन इसकी पहली डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे, कंबाइन द वर्ड्स। अब देखें यहां पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, बुक हैंड ब्लीव सम लेस एबल अन कम फुल यूज बॉडी एंड वन। तो ये सब के सब वर्ड्स हैं। ग्रामर की पहली डेफिनेशन है टू कंबाइन वर्ड्स। अच्छा, जब हम वर्ड्स को कंबाइन करेंगे देयर मस्ट बी सर्टेन रूल्स, राइट। जैसे कि ये जो सन है, अगर मैं इसको यहां पे लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, हैंडसम। अच्छा, जो ये लेस है इसको अगर मैं यहां पे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, बुकलेस, अ बुकलेस सोसाइटी इज अस। अगर मैं इस अन को यहां पे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, अनेबल। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे मैं इन ऐड कर दूं और यहां पे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, इनकम। इसी तरीके से ये फुल अगर मैं यहां पे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, यूजफुल। इस सम को मैं इधर ले आऊं क्या हो जाएगा, समबडी। यहां पे लिखूं तो क्या हो जाएगा, समवन। तो मैं बहुत सारे और अल्फाज लिखकर बहुत सारे दूसरे अल्फाज बना सकता हूं, लेकिन ये जो मैंने अल्फाज बनाए, ठीक है, कंबाइन द वर्ड्स, आई कंबाइन द वर्ड्स थ्रू अ सर्टेन रूल्स जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सफिक्स, प्रीफिक्स एंड अफिक्सेस। अब सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है और अफिक्स क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लें। बहुत सारा लोग शायद ऑलरेडी आ रहा हो। मैं यहां पे एक वर्ड लिखा हूं फेथ, ओके। दिस फेथ इज एक्चुअली अफिक्स। व्हाई इट इज अफिक्स, बिकॉज इट इज फिक्स्ड। अगर आप इस फेथ के बाद किसी दूसरे अल्फाज का इजाफा करेंगे जैसे कि फुल, तो ये जो फुल है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज अ सफिक्स, ओके। और अगर इससे पहले अगर आप किसी दूसरे वर्ड का इजाफा करेंगे तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। सफिक्स, अफिक्स एंड प्रीफिक्स, ये रूल्स हैं जिनके तहत हम क्या कर रहे हैं, वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो अब ग्रामर क्या है, रूल्स फॉर कंबाइनिंग द वर्ड्स लाइक दिस। और फिर हम इसमें से नाउन बनाते हैं, वर्ब बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रामर्स डेफिनेशन, के ग्रामर क्या है, रूल्स फॉर कंबाइनिंग वर्ड्स एंड जॉइनिंग देम इनटू सेंटेंसेस। अब जॉइनिंग देम इनटू सेंटेंसेस से ये मुराद है, जैसे कि ही विल बाय सम बुक्स। तो देखें सम है, बुक्स है, बाय है। तो जब ये वर्ड्स हम आपस में मिला लेते हैं किसमें, सेंटेंसेस में, तो इसको क्या कहा जाएगा, ग्रामर कहा जाएगा। व्हाट इज ग्रामर, रूल्स फॉर कंबाइनिंग द वर्ड्स लाइक दिस एंड जॉइनिंग देम इनटू सेंटेंसेस लाइक दिस इज कॉल्ड ग्रामर। होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन वी कैन स्टिल टॉक। यहां पे आते हैं, शायद आप में से कोई कंफ्यूज हो, आई एम सीनियर देन यू, क्यों गलत है, इसका जवाब होता आसान है। देयर आर फोर कॉमन एडजेक्टिव्स, सेवन एट भी हो सकती हैं, लेकिन जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर एंड सुपीरियर, ये चारों एडजेक्टिव्स खत्म होती हैं आयो आर पर। तो क्योंकि ये एडजेक्टिव्स आयो आर पे खत्म होती हैं, इसलिए हम उनके साथ देन नहीं लगाते, टू लगाते हैं। हम कभी भी नहीं, ये नहीं कहेंगे नबडी इज इंफीरियर देन एनीबडी, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम कहेंगे नबडी इज इंफीरियर टू एनीबडी। तो यानी कि ये चार एडजेक्टिव्स सीनियर, जूनियर, इंफीरियर एंड सुपीरियर, क्योंकि ये आयो आर पे खत्म होती हैं, इसलिए इनके साथ देन नहीं, टू लगता है। फर्दर ये डिस्कस होंगे एडजेक्टिव में, जो एडजेक्टिव का टॉपिक होगा यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थैंक यू। अब इंट्रोडक्शन को आगे लेकर यहाँ पे आ जाते हैं, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कभी कभी स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, तो कोई बता रहा होता है कि वो तीन होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दैट इज नॉट पार्ट, ये स्ट्रक्चर है। कुछ कहते हैं पांच हैं, अफर्मेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव, ठीक है, इंपरेटिव,
तो ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नहीं होते हैं, इनको हम कहते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। और कोई तो ये भी बताने में देर नहीं करता कि नाउन प्रोनाउन वर्ब वेड और वेज एक्टिव, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नहीं है। तो वा आर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस और वो कितने हैं, इट्स वेरी सिंपल, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आप अंग्रेजी में कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा जुमला क्यों ना लिखें, ठीक है, उसके हमेशा दो हिस्से होंगे। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस और दूसरे को हम कहते हैं प्रीडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो जस्ट लाइक दिस सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, ये तीन सेंटेंस मैंने सेंटेंसेस मैंने यहां पे लिखे हैं। ही विल स्पीक टू अस एंड अ फ्यू ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स और सारे स्टेम एंड वी फास्ट। तो अब देखें ही विल स्पीक ट्रुथ इज अ सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं, दो। नंबर वन इज दिस जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा सब्जेक्ट के बाद जैसे कि विल स्पीक ट्रुथ, इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं प्रेडिकेट। तो वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस में वैरायटी ऑफ यू नो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखे जाते हैं। कभी सब्जेक्ट छोटा हो जाएगा तो प्रेडिकेट बहुत बड़ा होता है, कभी सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर प्रेडिकेट छोटा होता है, और कभी मतलब इस ये स्ट्रक्चर्स रहते हैं। अगर आप इस सेंटेंस को देखें, अ फ्यू ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स ऑफ कॉलेज, तो अ फ्यू ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स ऑफ कॉलेज, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका सब्जेक्ट है। एंड देन कैन क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रेडिकेट। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी में जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं, डूअर ऑफ द एक्शन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं पॉइंट आउट जरूर करता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ दिस इज अ मैंगो, ही इट्स अ मैंगो, ये दो सेंटेंसेस हैं। तो ही इट्स अ मैंगो, ही इज अ सब्जेक्ट, इट्स इज अ वर्ब एंड मैंगो इज अ ऑब्जेक्ट। यहाँ अगर मैं इसको लू लिख दूँ कि ही इज अ बॉय, सो दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब एंड मैंगो इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और यहाँ पे काम कर रहा है खाने का। लेकिन अगर मैं कहूँ ही इज अ बॉय, तो यहाँ पे भी ही क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन ही यहाँ पे कोई काम तो कर ही नहीं रहा, इज अ बॉय, तो हमें क्यों पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट उसे कहा जाता है जो काम करे, यहाँ पे तो काम है ही नहीं। सो विल डिस्कस इट सम अदर टाइम, ये हमारा टॉपिक नहीं है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में एक हो गया सब्जेक्ट, बाकी हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसे कहा जाता है, प्रेडिकेट क्या है, इट टेल्स समथिंग मोर अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट उसे कहा जाता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें ज्यादा पता है। जैसे ही विल स्पीक ट्रुथ, हु विल स्पीक ट्रुथ, ही, ओके। इन द सेम वे अ फ्यू ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स ऑफ कॉलेज कैन, हु कैन, अ फ्यू ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स ऑफ कॉलेज। इसी तरह से वी थॉट, वी आपका सब्जेक्ट है और थॉट आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो ये जो सोच को रहा था दैट वाज अस, जस्ट लाइक इफ आई से अस्मा मेक्स टी, हु मेक्स टी, अस्मा, तो मेक्स टी प्रेडिकेट है, और ये प्रेडिकेट जो है हमें सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा बताता है। सो एक और चीज जो हमने ऑलरेडी सीखी थी क्लास और फ्रेज के बारे में, क्लास क्या है, इट इज गॉट सब्जेक्ट एंड वर्ब, और फ्रेज क्या है, इट इज गॉट नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब। आप इनको यूं भी कह सकते हैं कि क्लास इज समथिंग दैट इज गॉट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड फ्रेज इज समथिंग दैट इज गॉट नो सब्जेक्ट नो प्रेडिकेट। सो दैट वाज ऑल अबाउट जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास अबाउट दी सिंपल थिंग्स। सो दैट्स ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।